प्लस 7 के लिए बस शेड्यूल लॉन्च के बाद अवेलेबल कर दी जाएगी हर कोई डाउनलोड से जो भी ये जो दूसरा ऐप इंजीनियर्स के लिए है सर जिसका नाम था कमेंट्स उस प्रोजेक्ट के फाइल में जाकर के ऐड हो जाएगा बताती है कुछ लोगों को सड़क देखा उसको ये मालूम हो जाएगा ना कि इसकी कास्ट इतनी है लेंथ इतनी है ये प्रोग्रेस को आपने दिखाया कि मैंने अभी इतना बना है और टाइम ऑफ कंप्लीशन है ये फीचर है सर। यस सर उसमें के लिए यहाँ पर अवेलेबल है जिससे कि कोई भी आदमी ये देख सकता है कि कौन सा काम कब कब कहाँ कहाँ किया गया था कहाँ कहाँ अभी कौन कौन सा काम चल रहा है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है उसकी अब तक पेमेंट कितनी हुई है देखिए हेडक्वार्टर पर सारे डिविजन से जिले के रखने के बजाय अगर वो दूर उनके पास एक्सेस एक्सीएम है तो नीचे पुश कर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ काम आरएमबी ने ट्रांसपेरेंट कर दिया है और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे अच्छी पहल प्रशासन की दृष्टि से मानी जाएगी। अमरनाथ यात्रा आने वाली है तो टाइम भी कम है तो जो आरएमबी का पार्ट है आप लोगों के प्रमुख सचिव को देखेंगे आप सब लोगों से आग्रह ये है कि जरा इसमें पूरी जिम्मेदारी से जितना हमारा काम है वो हम करें स्नो फॉल के पहले कर लेना है ताकि स्नो या छोटे मोटे जितने मेंटेनेंस के काम है ये फेज टू में आएगा। सीनियोरिटी लिस्ट भी ऑनलाइन हो गई है उनके एपीआर भी हमेशा से ऑनलाइन जितने नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे उन सबकी जीआईएस मैपिंग कंपलसरी होगी सर और जो कुछ डालने हैं ताकि बिल पेमेंट के समय वो सारे रिकॉर्ड अपनी जगह अवेलेबल रहे। अगर हम निगोशिएट करते हैं चार लोगों को दे सर तो शायद कुछ काम हो जाता कुछ जगह फेल होता है ये ऐसे काम है जिसमें मुझे लगता है मैंने वो आपके लेवल पर ये नहीं आता होगा लेकिन नीचे के लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि इंजीनियर्स को खास तौर से ऐसा करें कि ये दिक्कत ना हो क्योंकि ये बड़ा जरूरी मसला है। ये फ्रेम सीमेंट फ्लोर लगानी है ना उसी में टाइम लगता है कंप्लीट कर लें